एवरीवन एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज आपको मेरे सेटअप में कुछ डिफरेंट दिख रहा है। ये दोनों फोटो फ्रेम्स, ये मैंने इस लॉकडाउन में फ्री थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो टाइम पास करने के लिए ये फ्रेम बना लिए। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है इन फ्रेम्स के साथ, पता है क्या? अब से आपको वाव कॉर्नर पर वीडियो हफ्ते में 2 दिन देखने को मिलेगी, मतलब मंडे और फ्राइडे। है ना गुड न्यूज? तो चलिए आज की वीडियो में ये फ्रेम बनाना सीखेंगे। ये बहुत इजी, क्विक और बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही इजी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको किसी को भी बना के दे सकते हो, हस्बैंड को, ब्रदर को, सिस्टर को, फादर को, बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, किसी भी ओकेजन पे, टीचर्स डे पे, कभी भी। खुद से बनाई हुई चीज में प्यार अलग ही होता है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये फ्रेम कैसे बनेंगे। लेट्स गो। सिंपल छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। मैं डेकोरेट करके दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे करना चाहती हूँ।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई नो कि बहुत पसंद आया होगा। अरे यार, लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो कुछ क्रिएटिव ही कर लो। फटाफट से जाओ और आप अपना खुद का कस्टमाइज फोटो फ्रेम बनाओ और अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करो बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ्रेम आप किसी भी ओकेजन पे किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। आपके पास कलरफुल शीट है या प्लेन शीट है, कुछ नहीं तो आप सिंपल A4 व्हाइट पेपर से भी बना सकते हो। और मेरे पास अभी यही चीजें अवेलेबल थी तो मैंने इनसे डेकोरेट कर लिया। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उनसे डेकोरेट कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने आपको बताया, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बता दो, वो भी कुछ क्रिएटिव कर ले इस लॉकडाउन में, है ना? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।